नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, विषयांक पाठ 12 रानी एटले राणी। इस पाठ के लेखक है महादेवी वर्मा, जिसका जन्म 1907 और निधन 1583 में हुआ था। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नारी भरी दुखी बदरी और तुम वो नीव में ढूंढा, तुम में ढूंढी पड़ा कहने वाले, सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपावण करने वाले छायावादी युग की अप्रथम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा है तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवियत्री के रूप में पहचानी गई है। यहाँ कवियत्री के बारे में बताया गया है। फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति के रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकारों रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुमान योगदान दिया। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी जो पाठ का नाम है वो यहाँ रानी नामक एक कोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यहाँ नेवला एक कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने है। नेवला कुत्ती और घोड़ी हमारे सामने है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलता नजर आ रहा है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। राज्यों ने लीधे थे इंदौर में शानदार घोड़ों एटले के शानदार मजबूत अने देखावड़ा अने खूबज दौड़े तेवा शानदार घोड़ाओं अने तेना घोड़े सवारों नु आधिक्य हतु, तेमनु राज हतु, तेमनु सम्मान हतु। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टुओ या एटले के सफेद गधाओ सफेद जे गधेड़ाओ छे ते पर घूमते देखते थे। शू कहे छे अंग्रेजों ना जे बाळको हता तेमने आपणे सफेद गधेड़ाओ पर घूमता एटले फरता जोया छे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। रामा ने जे कहानी छे तेमा जे अपराधी दंडकारी छे जेने अपराध कर्यो छे तेने दंड माटे तेने गधेड़ा ऊपर बेसाड़ी अने देश माटे निकाली देवामां आवतो। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। इन्हें एटले रामा ने के घोड़ा पर गधेड़ा पर बेसी अने फरता जोवा अने गधेड़ा पर बेसी अने हसता जोवा जोईए त्यारे एवं लगे कि आने दंड मळ्यो छे के शू। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। रामानी पासे जे जिज्ञासा हती एनु समाधान
हतुं। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं था। जयरे विलायत के विदेश में ते हता त्यारे तेमने गधेड़ा उपर बेसाड़ी अने दंड कर्यो हतो अने तेने भारत मोकलवामां आव्या हता, केम के त्यां आ वाहन हतुं नहीं। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहते हैं कि हमें त्रणे बाबूजी ने मौखिक स्मृति पत्र लख्यो अने कह्यू कि अमारी पासे छोटा सफेद घोड़ा एटले के गधेड़ू न रहेवू ते अन्यायनी वात छे। अमे बीजा छोकराओने बीजा बाळकोने ज्यारे अमे घोड़ा उपर बेसता जोईए छीए तो अमने पण तेनो अधिकार मळवो जोईए। बाबूजीने हसते हुए पूछा। बाबूजीए हसता हसता पूछ्यू, सफेद टटुओ पर बैठोगे? तुम कहो। एटले के सफेद टटू एटले के तमे सफेद गधेड़ाओ पर बेसशो? बोलो कहो के साथ ठेलमठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। सफ़ेद टट्टू यानी कि गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। तेमणे चिड़ाईने गंभीर मुद्रा में एटले गंभीर थईने मुद्रा एटले चेहरो गंभीर थईने गंभीर चेहरा साथे तेणे कह्युं, सफ़ेद टट्टू यानी कि गधा ने એટલે શું કહે છે, સફેદ જે રમકડા તમે જે કહો છો ટટ્ટુ કહો છો તે ગધેડાઓ જ ને જેના ઉપર બેસીને સજા દેવામાં આવે છે, જેના ઉપર આપણે બેસીએ ત્યારે તે આપણને સજા દેવામાં આવે છે દંડકારીને। પતા નહીં અમારે જ્ઞાન કે વ્રજસ્ત્ર સ્ત્રોતો રામાપો બાબુજીને દાટા યા નહીં, પરંતુ કુછ દિન બાદ હમને દેખા કે એક છોટા સા ચોકલેટી રંગ કા ટટ્ટુ આંગન કે પશ્ચિમ વાલે બરામદે મેં બાંધા ગયા થા। બરામદે એટલે ઘોડાઓને જ્યાં રહેવા માટેનું જે સ્થાન છે, જે જગ્યા છે, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, તબેલો। ખબર નહીં આ વાત સાંભળીને બાબુજીને રામા જે છે એને ખીજવાયા કે નહીં એ ખબર નથી, પરંતુ થોડા જ દિવસ પછી રસ્તા ઘરનું જે આંગણું હતું ત્યાં ચોકલેટી કલરનું એક ગધેડું ત્યાં જે તબેલો હતો તેના પશ્ચિમ ભાગમાં બાંધેલું હતું। બરબદા તો ઘોડે કે બાંધને કે લીએ બનાયા નહીં ગયા થા, શું કહે છે, અતઃ બહાર સે ટટુઓ કો લાને કે લીએ દીવાલ મેં એક નયા દરવાજા લગાયા ગયા ઓર ઉસકી માલિશ કરને તથા ખાને પીને ઓર ઘૂમને આદિ કી દેખરેખ કે લીએ छुटनन नाम का साइज रखा गया। क्या कहता है, शू कहे छे, आजे तबेलो होतो ते कई घोड़ा बांधवा माटे तो बनाव्यो नहोतो एने, परंतु बाहर थी गधड़ाओने लावा माटे त्यां एक दरवाजो मूकवामां आव्यो हतो, तेना माटे मालिश खावा पीवानुं अने फरवानी बधी देखरेख रही सके एना माटे माणस पण राख्यो हतो। विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીંયા ભાગ એક પૂર્ણ કરીશું। આવતા પીરિયડની અંદર આપણે અહીંયાથી ભાગ બે શરૂ કરીશું। આજે તમે ભાગ એક જે મેં તમને ભણાવ્યો છે તેનું તમે વાંચન કરજો।